ही नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस में। आज की सुनो आप लोग को बीट द जीनियस गेम की बेस्ट टाइमिंग देने वाला है। यहाँ पे बीट द जीनियस की बेस्ट टाइमिंग में अगर आप लोग गेम प्ले करते हैं तो आप लोग के विन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और यहाँ पे बेस्ट टाइमिंग क्या है ये आप लोग को पता लगने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले बात क्लियर करते हैं, यहाँ पे जो वाउचर की क्वांटिटी है बीट द जीनियस गेम के अंदर तो यहाँ पे कम रखी गई है, तो यहाँ पे आप लोग के विन होने के चांसेस थोड़े डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी कम है वाउचर विन होने की। और यहाँ पे सुपर कॉइन भी विन होने की क्वांटिटी कम है क्योंकि यहाँ पे सुपर कॉइन अमाउंट है 5, 2 और 1, और यहाँ पे जो गिफ्ट वाउचर अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ वाले वाउचर से 5 विनर्स को, और जो यहाँ पे 50 रुपीज़ के वाउचर है वो यहाँ पे 100 विनर्स को। तो इसमें आने के लिए आप लोग को एक बेस्ट टाइम की जरूरत होगी, अगर आप लोग उस टाइम पे प्ले करते हैं तो आप लोग के विन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट टाइम क्या होता है, बेस्ट टाइम का मतलब ये है जितने भी प्रीवियस लोगों ने गेम प्ले किया और वो लोग जिस टाइम पे विन हुए, कुछ स्पेसिफिक टाइम एवरेज टाइम रहता है जिस पे अगर वो लोग गेम प्ले करते हैं तो उनमें से बहुत सारे यूजर्स विन होते हैं, तो वही बेस्ट टाइम मैंने आप लोग के लिए एनालाइज करके निकाला है अभी तक। तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ पे बेस्ट टाइम की तरफ चलते हैं। बेस्ट टाइम के लिए आप लोग को यहाँ पे सिंपल सा मैं बेस्ट टाइम आपको बता देता हूँ, और यहाँ पे एक बात क्लियर करते हैं, जिन लोगों ने भी पहले बीट द जीनियस गेम खेला था जब नवंबर में आया था तो उन लोगों के लिए टाइम वैलिड नहीं होगा क्योंकि वो लोग एक बार गेम प्ले कर चुके हैं। जिन लोगों ने एक भी बार गेम नहीं खेला है बीट द जीनियस वो लोग ये टाइम यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोग को विन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे बीट द जीनियस बेस्ट टाइम फॉर प्लेइंग यहाँ पे 11:56 PM से लेके 12:05 AM तक आप लोग गेम प्ले कर सकते हैं। गेम यहाँ पे 12 बजने से पहले ही आ जाता है, 12 बजने से पहले डेली गेम आ जाता है। तो यहाँ पे अभी कन्फ्यूजन ना हो मैं यहाँ पे PM लिख देता हूँ ताकि आप लोग में से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जो वीडियो सुन नहीं रहे। तो यहाँ पे 11:56 PM से लेके 12:05 AM तक यहाँ पे गेम आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग गेम प्ले कर सकते हैं। अगर आप लोग को और भी कुछ टाइम चाहिए यहाँ पे मैं बता दूँ, ये सबसे बेस्ट टाइम है अगर आप लोग गेम प्ले करना चाहें। जिन लोगों ने भी पहले गेम नहीं खेला उन्हीं लोगों के लिए टाइम है, अगर आप लोग ने गेम खेला है तो आप लोग के लिए कोई यहाँ पे टाइम नहीं होगा क्योंकि आप लोग को वाउचर्स मिल ही नहीं पाएंगे, आप लोग को सिर्फ सुपर कॉइन मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं बेस्ट टाइम इसलिए बता दूँ कि आप लोगों को मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे वाउचर्स मिलते हैं या फिर मैक्सिमम सुपर कॉइन। तो यहाँ पे आप लोग को बता दूँ इस टाइम पे अगर आप लोग गेम प्ले करेंगे तो आप लोग में से बहुत सारे यूजर्स को यहाँ पे वाउचर मिलेंगे या तो सुपर कॉइन्स, तो यहाँ पे आप लोग गेम प्ले कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड टाइम की तरफ चलते हैं, सेकंड टाइम कौन सा है तो यहाँ पे आपको बता दें सेकंड टाइम बेस्ट टाइम कौन सा है बीट द जीनियस गेम के लिए। तो सेकंड टाइम है यहाँ पे 12:23 से लेके 12:28 AM, तो आप लोग इस टाइम पे भी प्ले कर सकते हैं, इस टाइम में भी बहुत लोगों को वाउचर्स मिलते हैं। तो आप लोग इन दोनों टाइम सबसे बेस्ट हैं, बाकी यहाँ पे थर्ड टाइम भी मैंने आप लोग के लिए निकाला है। कुछ लोग बोलेंगे कि उन्हें मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम चाहिए, तो उन लोगों के लिए मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया है ताकि उन लोग को भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे थर्ड टाइम है, यहाँ पे थर्ड टाइम इतना अच्छा नहीं है लेकिन एज़ कम्पेयर बाकी टाइम्स के हिसाब से ये वाला टाइम भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे 1:30 से लेके 2:30 PM तक आप लोग गेम प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे ये दो टाइम सबसे बेस्ट है। और अगर आप लोग थर्ड टाइम में भी प्ले करना चाहें, अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप लोग थर्ड टाइम में भी प्ले कर सकते हैं। मैंने आपको सारे टाइम बता दिए, इस टाइम पे प्ले करते हैं आपके विन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं।